हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी कहाँ से हैं आप? लखनऊ। लखनऊ। आज आपकी किस चीज़ की क्लास थी? प्लास्टिक कंपोनेंट। प्लास्टिक कंपोनेंट का क्लास कैसा लगा? यस सर, बहुत फैंटास्टिक सर। फैंटास्टिक लगा? यस सर। और बात करें हाइब्रिड सिम कार्ड निकालने की तो? सर उसको तो फुल एयर पे फुल टेम्परेचर पे निकाल देंगे सर। निकाल लेंगे। ऐसी ट्रिक है अपने पास। इजी हो गया? बहुत इजी सर। पहले आप कभी हाइब्रिड सिम कार्ड निकाले हैं? नहीं सर। कभी नहीं निकाला आपने? सोचते भी नहीं थे सर निकालने का। और अभी इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें सर इसका डिस्प्ले कनेक्टर निकाल के, ऑन सेट है सर ये, इसका डिस्प्ले कनेक्टर निकाल के फिर से लगाने वाले हैं सर उसको, और बिना जले। बिना जले निकालेंगे इसका डिस्प्ले जैक कनेक्टर जो भी है? जी सर। इसमें कोई सा भी कनेक्टर अभी निकालने को दे दूँ तो आप कोई निकाल के लगा पाएंगे? कोई सा भी सर, हाइब्रिड सिम स्लॉट, सेंसर, LED लाइट, हेडफोन जैक, ये फ्लैश, माइक सर, एवरीथिंग सब कुछ बिना जले निकाल के? बिना जले सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका लाइट और ग्राफिक्स दोनों आ गया है, और सिंपली इन्होंने ओनली जैक को निकाला है और दोबारा से फिक्स किया है प्लास्टिक कंपोनेंट को। बताइए कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। यस सर। कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हाई हुआ सर आज। बहुत हाई हो गया। यस सर। क्या बोलना चाहिए? जो सोचते नहीं थे सर, एशिया टेलीकॉम सर दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए ये सब चीज़ें हार्ड होगी और उनके पास ट्रिक नहीं होगा सर। एशिया टेलीकॉम में जो स्टूडेंट या हम लोग पढ़ते हैं सर, वो वन टाइम हार्ड लगता है, करने के बाद हार्ड नहीं लगता सर, इजी हो जाता सर। चलिए ठीक है, आपको आसान लगा? यस सर। जितने भी बच्चे हैं सारे लोग निकाल के लगा रहे हैं? यस सर, सब सब सब। अभी माइक्रो जंपिंग भी करेंगे सर। अभी माइक्रो जंपिंग भी करने वाले हैं इस वाले फोन में? यस सर, स्क्रैच कर दिया बस करना है उसको। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? KP तिवारी सर। कहाँ से हैं आप? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से हैं। आपका क्या उम्र होगा सबसे पहले मैं पूछूं? 41 ईयर सर। 41 ईयर के हैं आप। अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको मतलब अगर सीखने के लिए शर्मिंदगी महसूस होती? बिल्कुल नहीं सर, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। आते ही नहीं? नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी 60 ईयर 70 ईयर जब चाहे सीख सकता है। सही बात है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, और डिपेंड करता है कि आदमी अपडेट होना चाहता है कि नहीं होता है। बस अगर... मैं अपडेट होने के लिए ही आया हूँ।
तो जो चीज़ सोच के आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए वो अपडेट होने के लिए, वो चीज़ आपको मिला कि नहीं मिला? उससे बहुत ज़्यादा मिला सर। ज़्यादा मिला? बहुत ही ज़्यादा मिला, जितना नहीं सोचा था उससे ज़्यादा मिला। आपके उम्र से यहाँ के जो टीचर्स हैं वो आपसे उम्र में कम है, कहीं से आपको लगता है कि नॉलेज में कम हो या फिर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आप कोई सवाल करते हो तो आपको बताने में उनको टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हर तरीके से कॉपरेट हर लोगों का है, सारे टीचर लोग का। ऐसा तो नहीं कोई सवाल करते हो तो थोड़ा देर समय रुक के आपको रिप्लाई मिलता हो? बिल्कुल नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत लोग, मैंने हर टीचर का अपने हर स्टूडेंट के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत है हर के साथ। ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ पर देखें कि एक स्टूडेंट को अगर 10 बार समझ में नहीं आ रहा है तो उनको बुला के 10 बार समझाया जा रहा है। ये पेशेंस मतलब टीचर लाइन में बहुत कम लोगों के पास है। तो चलिए मैं आज बात करूँ, आज आपका प्लास्टिक कौन, इतना बात करने का मेरा मेन सेंस था यही कि देखिए उम्र मैटर नहीं करता है अगर आपको स्किल लेना है तो। सही बात। तो चलिए मैं बात करूँ यहाँ पे आपसे, आज प्लास्टिक कंपोनेंट का क्लास था, अब कैसा लगा प्लास्टिक कंपोनेंट का क्लास? बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आप लोगों ने बताया सर, और उस ट्रिक के साथ अगर करते हैं तो स्पीड भी होता है और कंपोनेंट कोई जलता ही नहीं है, चाहे कितना भी हिट में लगाओ लेकिन ट्रिक्स ये यूज़ करो तो बहुत ज़बरदस्त। प्लास्टिक कंपोनेंट की क्लास में आपने प्लास्टिक कंपोनेंट्स निकाले हैं? हाँ, एकदम निकाले हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा पास ला दीजिए, थोड़ा सा पास ला दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो प्लास्टिक कंपोनेंट आपने निकाले हैं पहली बार में, अभी 2 ही घंटे का क्लास हुआ है। आप इसके पहले कभी प्लास्टिक कंपोनेंट पे काम किए हैं? काम किए लेकिन वो जल जाता था। आप इस मोबाइल के फील्ड में कब से हैं? 8 साल से। 8 साल से हैं और अभी तक आप निकाल रहे थे तो प्लास्टिक कंपोनेंट आपका जल जा रहा था, तो अभी जलने के बाद से अब इस क्लास के बाद से आपका प्लास्टिक कंपोनेंट जलेगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप ट्रिक्स बताया, जलेगा कहाँ? चलिए ठीक है। और मैं बात करूँ कि सर्किट का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, सर्किट के नॉलेज के बगैर मोबाइल रिपेयरिंग का काम पॉसिबल ही नहीं है सर। प्लास्टिक कंपोनेंट तो हर कोई निकालना सिखा देगा, दुकान पे जाएंगे तो जिनको नॉलेज होगा इसके बारे में, हीट एयर के बारे में, तो निकालना बता देगा, आईसी निकालना लगाना रिवॉल्विंग बता देगा, लेकिन सर्किट का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, एकदम बहुत बोलते रहूँ कि बगैर सर्किट का नॉलेज के बगैर मोबाइल का काम कोई कर ही नहीं सकता है। कर ही नहीं और आईसी रिवॉल्विंग करना या फिर ये तो अगर किसी भी दुकान में बैठिए एक सप्ताह करिए तो आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ होता है ट्रैक का नॉलेज, कौन कौन सा, हाँ सर्किट का नॉलेज, कौन सा सप्लाई आता है, कितना वोल्टेज आता है, कहाँ आता है, ये सारा कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे हम लोगों को मिला और आने अभी भी मिली रहा जो भी है। और हाइब्रिड सिम कार्ड निकालने के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप निकाल पाए? अभी आज तक तो सर 8 साल के करियर में तक अभी नहीं निकाला, बट आज अभी जब से बताया तो उसको मेरे लिए बहुत इजी हो गया अब निकालना। इजी हो गया। जैसे ये हेडफोन कनेक्टर भी कभी नहीं निकाला था, तो मतलब मैं सोचता था कि हेडफोन कनेक्टर तो जल जाएगा या कुछ भी, लेकिन आज हेडफोन कनेक्टर शोल्डिंग आयरन से निकाला और इजी वे में निकल भी गया हेडफोन कनेक्टर, तो इसीलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या बोलेंगे जो आपको देख के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि एशिया टेलीकॉम जल्द से जल्द ज्वाइन करे और बिल्कुल भी कुछ बगैर सोच विचार किए हुए कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है वो सब कुछ भी विचार न करे, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करे। पैसा वसूल है? एकदम 100% सूद के साथ वसूल है, सूद समेत के साथ वसूल है। हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। पीसीबी होल्डर पे ये किस चीज़ का है? Mi 6 है, रेडमी का 6A फ़ोन है और आज प्लास्टिक की कंपोनेंट हुई है। कैसे लगी सबसे पहले बोलूँ, कैसा लगा क्लास आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप इसके पहले कभी कनेक्टर निकाले हैं प्लास्टिक कंपोनेंट बिना जले? नहीं। यहाँ पे आपको जो भी कंपोनेंट बताया गया है कोई भी ऐसा कनेक्टर भी कोई सा ऐसा पार्ट हुआ है जो जला हो? नहीं, कोई नहीं जला, नहीं। बिल्कुल सेफ वे में निकला और सेफ वे में लगा कि नहीं लगा? ट्रिक भी अच्छा मिला, सेफ एकदम निकला, सेफ एकदम जा रहे हैं लगाने। अभी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है और ये अभी इसमें से कनेक्टर निकाल के लगाएंगे। हाँ, फोन चालू है कि बंद है? अभी तो इस समय बंद है, फोन बंद है। चलिए ठीक है, अगर इसके जगह पर चालू फोन दें आपको लगाने के लिए तो आप निकाल के लगा पाएंगे बिल्कुल सेफ वे में? एकदम एकदम 100% 100% गारंटी, एकदम गारंटी। चलिए ठीक है, करिए स्टार्ट, करिए काम अपना। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अर्जुन है, मैं नेपाल से हूँ। आज आपका क्या क्लास था? आज प्लास्टिक कंपोनेंट्स निकालने और लगाने का काम था। तो आज प्लास्टिक कंपोनेंट का जो क्लास था कैसा लगा क्लास? बहुत बढ़िया सर। इसके पहले आप कभी प्लास्टिक कंपोनेंट निकालते थे? नहीं सर। नहीं निकालते थे? नहीं। और अब बिल्कुल फ्रेश बिना जले
निकाल पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? निकाल पाएंगे सर। निकाल के लगा भी देंगे? हाँ बिल्कुल। कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा रहा। माइक्रो जंपरिंग की अगर मैं बात करूँ तो? माइक्रो जंपरिंग बहुत आसान लगा। आसान लगा? हाँ। पहले कैसा लगता था? पहले बहुत कर नहीं पाता पहले, अभी तो बहुत आसान से कर। अभी बहुत आसान हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करिए। ठीक। प्लास्टिक कंपोनेंट का क्लास कैसा लगा? जी सर बहुत बढ़िया लगा। आप तो बिल्कुल फ्रेशर हैं इस लाइन में। है? निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? निकाल देंगे। देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हैं और इसके पहले इन्होंने कभी आईसी पे या फिर कंपोनेंट पे कोई सा भी काम नहीं किया है। अभी जा रहे हैं माइक्रो जंपर बनाने। माइक्रो जंपरिंग भी करेंगे आप? जी सर। वो भी बताया गया है? जी सर। तो आप डायरेक्ट माइक्रो जंपरिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक कंपोनेंट नहीं निकाल रहे हैं? नहीं सर। चलिए ठीक है, प्लास्टिक कंपोनेंट का क्लास कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आप माइक्रो जंपरिंग करिए और आगे हम आपका वीडियो लेंगे। कैसा लगा दिवाकर जी आपको? बहुत अच्छा सर। इसके पहले कभी प्लास्टिक कंपोनेंट पे काम किए थे आप? नहीं सर। कभी नहीं किए थे? नहीं। और किए भी होंगे तो जला था कि नहीं जला था, ईमानदारी से बताइए। वीडियो में है, लाइव में है, झूठ मत बोलिएगा। पहले मैं किया था तो सर जल ही जाता था। जल जाता था पहले? यस सर। और अब जलेगा क्या? नहीं सर। देखिए पहले आपको थ्योरी नहीं पता था इसका कि कितना हीट रखना है, कितना एयर रखना है, बट अभी इस समय की अगर मैं बात करूँ तो? नहीं सर, इसमें एकदम बहुत परफेक्ट निकल जाएगा। परफेक्ट निकल जाएगा। और बात करें हाइब्रिड सिम कार्ड का, सेफ तरीके से निकालना लगाना बताया गया नहीं? जी सर। किसी भी तरीके का कोई डैमेज आया है हाइब्रिड सिम कार्ड निकालने में? नो सर। और आपको आपको अगर मैं बोलूं निकालने के लिए तो आपसे डैमेज होगा? नो सर। नहीं होगा? नो। चलिए ठीक है, करिए। क्या नाम है आपका? आसिफ मलानी सर। कहाँ से हैं आप? पूना महाराष्ट्र से। पूना महाराष्ट्र से हैं, बहुत दूर से आए हैं। अदरवाइज आप दूसरे इंस्टीट्यूट क्यों नहीं ज्वाइन किए? नहीं सर, नॉलेज के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया है। और यहाँ पे नॉलेज कैसा मिलता है? बहुत अच्छा सर। जो सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत ट्रेमेंडस, सुपर से ऊपर। सुपर से ऊपर। और उनका सर्किट का बताने का तरीका, सर्किट जो आपको सर्किट का पूरा नॉलेज, कंपोनेंट्स का नॉलेज सारा देव सर के थ्रू ही मिलता है आपको? यस सर। तो कैसा लगता है क्लास उनका? बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने को एक आधा चीज़ समझ में ना आए तो उसको बार बार रिपीट करके वो रिवीजन करवा लेते हैं। रिवीजन करते हैं और पूरा होने के बाद में क्लास ये करते हैं। और आज जो रिवीजन क्लास हुआ है, जो भी डाउट्स आपके, हालांकि हम डाउट्स छोड़ते नहीं है रात तक जब तक क्लियर ना हो जाए, लेकिन कैसा लगता है क्लास, रिवीजन क्लास कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आज जितने भी डाउट थे मेरे दिल में वो भी थोड़े बहुत सारे निकल गए, कुछ भी डाउट बचा नहीं है। कोई भी डाउट नहीं है? नो सर। और अभी आप इसमें क्या करने वाले हैं? माइक्रो जंपरिंग कर रहे हैं। इसमें आप अभी आईसी उठाया नहीं है आपने? नहीं। आईसी उठा के अभी इसमें ट्रैक तोड़ेंगे आप? हाँ सर। और उसके बाद माइक्रो जंपरिंग करेंगे? यस। माइक्रो जंपरिंग कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और प्लास्टिक कंपोनेंट का क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त? जबरदस्त सर। चलिए ठीक है, करिए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? चिराग शर्मा सर। तो आज मैं बात करूँ प्लास्टिक कंपोनेंट का क्लास था, कैसा रहा क्लास? जी सर बहुत बढ़िया रहा। इस बोर्ड में कोई सा भी ऐसा प्लास्टिक का कंपोनेंट है या फिर सिम ट्रे, हाइब्रिड सिम कार्ड और हेडफोन जैक की मैं बात करूँ तो निकाल के लगाने में कोई दिक्कत आएगी आपको? जी जी, कोई चलने का कोई रिस्क है क्या इसमें? नहीं कोई नहीं, अभी इधर में निकाल के रखा है। 500 की हीट पे अगर मैं बोलूँ प्लास्टिक कंपोनेंट निकालने के लिए तो निकाल जी, देंगे? जी बढ़िया तरीका से अभी ये निकाल के। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख भी रहा होगा, इन्होंने अभी जस्ट प्लास्टिक कंपोनेंट निकाला है और किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज नहीं है। और लगाने की बात करूँ तो लगाने में बहुत आसान तरीका से लगा। आसान है? जी जी। चलिए कैसा लगा ट्रिक? बहुत बढ़िया सर। कैसा लगा क्लास? बहुत बढ़िया। जबरदस्त? जबरदस्त, नंबर वन। नंबर वन। चलिए ठीक है। गुलाम जी कहाँ से हैं आप? सर मैं अलीराजपुर मध्य प्रदेश। कैसा लगा क्लास आज आपका? बहुत बढ़िया सर। जबरदस्त? जी सर। अगर मैं कोई भी कंपोनेंट निकालने के लिए दे दूँ प्लास्टिक कंपोनेंट, आप सेफ वे में निकाल के लगा देंगे? सर निकाल ही रहा हूँ अभी। निकाल ही रहे हैं। और बात करें कि माइक को निकालने का तरीका कैसा लगा? बहुत एक नंबर सर। और हाइब्रिड सिम कार्ड जैसा कि हर कोई नहीं निकाल पाता है, आप निकाल पाएंगे? अरे सर फुल हीट और फुल एयर में निकाल रहे हैं सर। मतलब 500 की हीट पे आप निकाल लेंगे फुल? तो चलिए मैं बात करूँ, अभी आपका प्लास्टिक कंपोनेंट का क्लास था आज, और अभी आप हाइब्रिड सिम कार्ड जो होता है ये J2 का जो सिम कार्ड का होता है जिसमें मेमोरी और सिम दोनों एक साथ लगता है, अभी आप वो निकाल रहे हैं? जी सर। चलिए ठीक है, हम लाइव में हैं और बिल्कुल सेफ वे में निकालिए। तरीका पता है आपको? बिल्कुल सर। बिना जले निकालना है? जी सर। निकाल लेंगे? नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करेगा सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने बिना जले इस कंपोनेंट को निकाला है, और साइड में आपको कंपोनेंट दिख भी रहा होगा, ये प्लास्टिक कंपोनेंट जो है इनका। कैसा लगा क्लास आज आपको?
बहुत अच्छा लगा। हीट एयर के बारे में मैं पूछूं अगर आपसे, तो हीट एयर का आपको पता है सारा चीज? सर इससे कम हीट और एयर रखते थे उसके बावजूद भी जला देते थे कंपनी। अरे अब बहुत मस्त फुल हीट फुल एयर में सेफ तरीके से निकल लिए। कॉन्फिडेंस लेवल अब हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर, बहुत बताइएगा ईमानदारी। बिल्कुल सर, चलिए ठीक है। और मैं बात करूँ आपसे आगे, हमारे एक और स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? शारिक अली। शारिक अली जी कहाँ से हैं आप? सर मैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से? अलीराजपुर जिला। और अलीराजपुर से? तो चलिए कैसा लगा क्लास आज आपका? सर आज का क्लास इतना टफ लगा, जो चीज़ मैंने आज तक नहीं करी 7-8 साल में वो मैंने आज 5 मिनट में कर दी। 5 मिनट में ही हुआ? हाँ सर 5 मिनट में कर दी सर। किस चीज़ का क्लास? ये सर का प्लास्टिक कंपोनेंट का क्लास था सर, जिसमें जितने भी प्लास्टिक जो लगते हैं कनेक्टर उसका क्लास था सर। तो बिना जले निकला है फिर जला दिया? पूरे बिगर जले मैंने निकाल दिया। बिना जले आपने निकाला है? सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस कि इन्होंने प्लास्टिक का जो कंपोनेंट है इन्होंने निकाला है, बहुत सेफ वे में निकाला है और इनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है देखा जाए तो, लेकिन आज पहले दिन ही में ही इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। यस सर। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो मैं बोलूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ कि नहीं हुआ? सर मेरा इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अब कोई से भी मोबाइल का 10 से 15 मिनट में बदल दूंगा या कम से कम 5 मिनट में बदल दूंगा। कहाँ पे आपको रोजिन का यूज करना है, कहाँ पे फ्लक्स का यूज करना है, कहाँ पे आपको पीपीडी का यूज करना है, कहाँ पे आपको शोल्डर वायर का यूज करना है, इसका पता चला आपको? यस सर आज पहली बार इस चीज का नॉलेज हुआ सर, नहीं तो पहले मैं दूसरों से के पास पहुँचाता था ये चीज काम कराने के लिए, उसको मेरे को आज खुद करने, आज जो मुझको जो मैंने सॉकेट वगैरह निकाले हैं मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मजा भी आया इस काम में। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे आप प्लास्टिक कंपोनेंट निकाल दिया आपने? जी सर। तो देख पा रहे होंगे अभी भी जस्ट जैसे कि मैं दो लोगों से बात कर रहा था, दो चार लोगों से उसके हीट भी पूरा फुल रख के निकाला। फुल हीट पे निकाला आपने? जला है क्या कंपोनेंट? नहीं, थोड़ा सा जूम कर दीजिए इसको, थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम वीडियो में। फुल हीट पे इन्होंने निकाला है और एक थोड़ा सा भी इनका कनेक्टर डैमेज नहीं हुआ है। तो किसी भी फोन से आप निकाल पाएंगे? नहीं जी सर, किसी भी फोन से निकाल लेंगे एकदम। चलिए ठीक है। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एकदम मस्त मस्त। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए निकाल रहे हैं, आ जाइएगा। ओहो निकाल के लगा भी दिया आपने, अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ। यस सर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस कि इन्होंने प्लास्टिक कंपोनेंट को निकाल के दोबारा से लगा भी दिया। फुल हीट पे सर? फुल हीट पे। यस सर। अरे वाह वेरी गुड। कैसा लगा क्लास आज आपका? फैंटास्टिक सर, एकदम फैंटास्टिक। यस सर। चलिए ठीक है, एकदम हाई लेवल हो गए सर हम लोग। प्लास्टिक कंपोनेंट निकालते लगाते बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक मिनट में सर। एक मिनट में निकालेंगे? yes. और लगाने की बात करूँ तो उसको भी एक मिनट में लगा देंगे। लगा देंगे। चलिए ठीक है, वेलकम। क्या नाम है आपका? दीपांकर। कहाँ से हैं आप? दिल्ली सर। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से? yes, sir. सर बस मन नहीं किया है? मन नहीं किया सर। मन नहीं किया? और यहाँ पे क्यों मन कर दिया वैसे? यहाँ सर एक्स्ट्रा मतलब सब कुछ सब बारीकी से समझ आ रहा था। अभी आपने इसमें क्या किया है? यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे फुल हीट पे, यहाँ पे सर यहाँ दिख रहा है फुल हीट पे और फुल ये हाँ ऐसे भी देखिए भाई, इन्होंने फुल एयर ये और फुल हीट, फुल एयर फुल हीट पे इन्होंने प्लास्टिक कंपोनेंट निकाला है। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बढ़िया सर। हैं ऐसा ट्रिक आपको पहले मिला था? नो सर। इसके पहले आपका प्लास्टिक कंपोनेंट कभी निकाले थे? सर मैंने देखा ही था बस, निकालने की तो सोचता भी नहीं था। देखे निकालने का कभी सोचा ही नहीं आपने। तो चलिए ठीक है, मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पे प्लास्टिक कंपोनेंट है, इन्होंने बिना जल्दी निकाला है और दोबारा से फिक्स भी करने वाले हैं? यस सर बिल्कुल करने वाले हैं। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। चेहरे पे बहुत चमक है आपके, क्या बात है? चमक है वो क्या बोलते हैं वो नहीं मिला, नॉलेज का चमक है, है? सीखने को मिला? सीखने को तो मिला लेकिन वो क्या बोलते हैं वो सर वो ग्लू सुखाने वाला वो नहीं मिला। क्या
क्या कर रहे हैं? माइक्रोजम प्रिंट कर रहे हैं डायरेक्ट? यस सर। चलिए ठीक है, करिए, वेरी गुड। सर जल्दी हो, जल्दी हो, मेरे पास नान नान ना, मेरी जान ऐसा नहीं ना, साइड सामने मत करो, साइड रखो उसके बाद में। ये हम दिखा नहीं सकते कंटेंट, सारे कंपोनेंट कितना अच्छा निकाला हूँ। नहीं वो दिखा देना, अभी लाइव में दिखा देंगे, इसमें नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो जाता है ना, लोग देख लेंगे, फिर हर कोई करने लगेगा, फिर क्या मतलब है सिखाने का। तुम तो फीस दे के बैठे हो, है कि नहीं? क्या वो संतोष ने बोल दिया कमाल का आदमी हो? सुखाने वाला चाहिए मांग खाना एकदम लाइन से लगा दो, कपड़ा मिला है ना उस कपड़े पे एक लाइन से लगाओ ताकि देखने में एकदम सुंदर लगे। अनिल कहाँ गए? अनिल सर अनिल बहुत बेहतरीन लगा अनिल भाई। अनिल सर मस्त लगा, देखो लगा अच्छा कि एक नंबर। बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। मज़ा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। एकदम लाइन से धो के रखिए उसको।
सब निकाल लें तो कोई बात नहीं, अभी रुको मैं पहले सिंगल कर तो निकालू, बाद में निकालूंगा जो आप कह रहे हो। तो यार अच्छा खा रहा माल डाल रहा हूँ सब आ गया साथ। 28 जुलाई की बेच और ईमानदारी से टाइम हो रहा 11:15। हेलो सुबह के की शाम के रात के कितनी इनिंग में हमारी क्लास हुई? सुबह दोपहर और शाम। नॉन स्टॉप काम होता है? यस सर। काम जब तक नहीं होता जब तक हम जाते हैं क्या? नो सर। आर यू सेटिस्फाइड फॉर दिस क्लास? यस सर। सेटिस्फाई? यस सर। जोर से यस सर। हाँ सेटिस्फाई हो ना? यस सर। सब एक एक का डाउट क्लियर है इसके अंदर? यस सर। किसी का डाउट पेंडिंग तो नहीं है? नो सर। बात करूं मैं इस पीसीबी में कितने कितने कनेक्टर दिख रहे हैं आपको? बैटरी कनेक्टर की, सी टाइप बैटरी कनेक्टर की, माइक सैमसंग माइक्रो स्विच की है ना, एंड मैं बात करूँ आपसे सेंसर की, तो कोई चीज बाकी है क्या? हाइब्रिड सिम ट्रे सर, आज की तारीख में दुनिया में कोई भी किसी के दूसरे मोबाइल से निकाल के स्वैप नहीं कर सकता, बाकी आप कर सकते कोई नहीं कर सकता। पत्रा उठाने की आपके पास स्पेशल ट्रिक है कि नहीं? यस सर। कितना खर्चा आएगा पत्रा उठाने में? क्या 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 ₹2? यस सर। इसके अलावा कुछ लगेगा क्या? नो सर। हैंड स्किल अच्छी होना चाहिए आपको, मेजर करती है कि मतलब आपको 25,000 वाली SMD चाहिए? नो सर। 2,000 वाली SMD पे काम कर रहे हो ना आप? यस सर। 2,000 वाली पे कर रहे हो ना? यस सर। हो रहा है ना काम? यस सर। कोई सा ऐसा काम जो नहीं हुआ हो? नो सर। सबका क्लियर है? यस सर। ये बताइए मेरे को कि आज की क्लास आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया सर। सबसे पूछ रहा हूँ, तो देव सर ने जो क्लास रखी उसके बारे में क्या बोलोगे आप? एक क्लैपिंग देव सर के लिए बनती है। यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट डे क्लास। थैंक यू सर। नया नॉलेज, नया दिन और नया अपडेट। थैंक यू सर। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?